ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਚ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरे नाना और दादा ने दोनों दो भाई थे जिनका नाम इमाम बख्श पहलवान था, बड़े का नाम गामा पहलवान था। उन्होंने पहलवानी का आगाज़ किया और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इतनी करम नवाजी की कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती जिनका नाम था गामा पहलवान, वो मेरे नाना थे। और मेरे दादा जो पहलवानी में आए तो वो उन्होंने रुस्तम ए हिंद का टाइटल लिया, वो भी पूरे रुस्तम ए हिंद में पूरे फातिहा रहे। और फिर इसी तरह मेरे वालिद भोलू पहलवान वो भी रुस्तम ए ज़मा वर्ल्ड चैम्पियन पूरी दुनिया के फातिहा। इसी तरह मेरे चचा जो मेरे असलम पहलवान, गोगा पहलवान, आज़म पहलवान, हसन पहलवान, अकरम पहलवान, सब के सब पहलवान थे और सब के सब टाइटल होल्डर थे। मैं और ज़ुबैर दोनों स्कूल में पढ़ते थे, वो पहली क्लास ही तो पहली क्लास में ज़ुबैर फेल हो गया और फेल होते ही साथ ही वो जब घर वापस आया तो वो बंगड़े डाल रहा था ऐसे। वो घर वालों ने पूछा क्या हुआ भाई, उन्होंने कहा मैं फेल हो गया। एक तो उनको गुस्सा भी आया, हंसी भी आई कि ये क्या करता है। फिर उसी दौरान उसी लहजे उन्होंने कहा ये तो बस इसको अपनी पहलवानी में डाल दो ये। फिर वो उस वक्त से पहलवानी में आहिस्ता आहिस्ता बचपन से ही ना उसको थोड़ा सा पहलवानी में डाल दिया गया। जिन्नी एक्सरसाइज उन्हें की है, मैं अपनी तारीफ जिन्नी पहलवानी मैं देखी है, वड्डे पहलवानों ने भी देखे, सब ने देखे, इन्नी ट्रेनिंग किसी ने नहीं की जिड्डी उन्हें की है। उन्हें दिन दे विच एक टाइम दे 8 घंटे एक्सरसाइज की है, 8 घंटे बंदा खाली खलोता रहे ना तो डिग पैंदा थले, जे सीधा खड़ा रहे कि उसका मुकाबला अनोखी से हुआ और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इतनी करम नवाजी की कि उसको फातिहा मिली। मगर जो उधर जजेस बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये बराबर हुआ, मगर ये बराबर नहीं था। ये फातिहा अनोखी ने भी उसका हाथ उठा दिया था और फिर उसको बोला गया था कि ये फातिहा हुआ, मगर वो बाद में ऐलान हो गया कि ये ड्रॉ हो गया। जिद्दी इज्जत ना उन्होंने कमाया, मैं नहीं देखा कि किसी ने कमाया हो। जदों मेरी फैमिली के जिहड़े जिहड़े जिन्होंने जदों पहलवान जिहड़े पुराने गुजरे ने ते उन्होंने बेशुमार पैसे भी कमाए, ना भी कमाया, बेशुमार ना कमाया। एक वक्त हैगा सी कि सिर्फ रैसलिंग का ही ना सी, भोलू पहलवान ने 1948 दे जी 60,000 रुपया घुलण का लिया, 60,000 रुपया घुलण का लिया। उदों कभी क्रिकेट शिकट का जदों जहरा 6 लाख रुपया लैंदा सी उदों खान साहब 5,000 रुपया लेंदे होंदे सन मैच दा। उम्र उसकी बस जितनी अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी वो कम उम्र में ही फौत हो गया, चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद ये हमारे ख़ानदान में बिल्कुल पहलवानी और बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल पहलवानी है ही नहीं। मगर इससे अफसोस ज़्यादा बात ये भी है कि हुकूमत की सरपरस्ती बिल्कुल ना होने के बराबर है। मेरी 6 जनरेशन मेरिया जड़ियाँ ने ना वो इस फील्ड के है तो हूँ रीसेंटली मेरा बेटे नू इत्थे तो नहीं किसी ख्याल आया एंटोनियो अनोखी साहब लैके गए ने तकरीबन कोई अज तो 5 साल पहले तो स्टार्ट के जो 3 साल के एक्सपेंस है ने सारे उन्होंने बर्दाश्त किए ने पढ़ाई दे ते रैसलिंग दे जिन्ने भी गए सन। अनोखी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने सानू रियलाइज़ कराया कि तुम इसनू 300 साल तो पुराना ताड़ा काम है तो तुम इन छड़ते पे हो, असी तो सारे छड़ के बह गए सी तो कोई अपना ही बिजनेस वगैरह करीदा सी, अपना काम शाम सब करते सन, बच्चे जिन्हें भी ने हुण सब काम शाम ही करते हैं। साढ़े तो बच्चों इतों तक रहेगा कि रैसलिंग दे अपने अबाउज दाद का ही नहीं पता गा सी, रैसलिंग दा दरकिनार अपने अबाउज दाद का कि इन्होंने की किया की नहीं कर किया
ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੂਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ।